बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 मई 2022 सिस पर एक टूट जाने की वजह से शाहराह रेशम पे हसनाबाद में जो आरसीसी ब्रिज थी वो टूट गई है, और साथ साथ हसनाबाद नाले के अंदर जो दो पावर हाउसेस थे उसको भी पानी की तेज़ बहाव की जिद में आ गए हैं, और पानी बहुत तेज़ी के साथ दरियाए हंजा और नगर में बह रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक चारा रेशम पे रवा दवा रहती थी पंजराब के लिए, हंजा के लिए, प्रॉपर नगर होपर के लिए, वो हसनाबाद के हंजा से और समाया और अस्पुदा शायार की तरफ रवा दवा हैं। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम मुतलका इदारों से कि आप फिलफोर इन रोड्स के ऊपर जो रिकावटें हैं मुख्तलिफ जगहों पर उसको हटाया जाए ताकि मेहमानों के लिए कोई मुश्किल दरपेश ना हो। और एक ख़तरनाक बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि शायार ब्रिज के हंजा साइड की जो दीवार थी वो गुज़श्ता एक हफ्ते से वो गिर गई है, और आज उस जगह से कोई भी हादसा जो है रोनमा हो सकता है। और वहाँ से आज नज़र आ रहा है कि जो पोस्टर थे और बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका गुजरने भी मुश्किल हो गया है। मैं गुजारिश करूँगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और महकमे तामीरात आमा के दिगर अफसरान और इंतज़ामिया से कि आप फिलफौर व उस पर कोई कार्रवाई करते हुए उस दीवार को खड़ी किया जाए ताकि कोई आइंदा कोई हादसा दरपेश न हो। और मैं साथ में तमाम मेहमान जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, बलोचिस्तान से, इस्लामाबाद से और गैर मुल्की जो सयाह आते हैं, मैं अपने इलाके की आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप उनकी खातिर व मतारत में आप खड़े रहें, मेहमान नवाजी में खड़े रहें ताकि उनका कोई भी मुश्किल उनको दरपेश इस इलाके में ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नंबरदार ताहिर हुसैन हूँ जो अपना पैगाम आप सब तक पहुँचाना चाहता था। मुझे यकीन है कि आप सब ताउन फरमाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।